इतनी सारी वस्तुओं के साथ पिता ने क्या भिजवाया गांडार से? ये तो मेरी वस्तु है, इन्हें रथों पर किसने लादा है? ये प्रवास का आयोजन किया गया है महाराज शकुनी। प्रणिपात महामहिम बीश महाराज शकुनी, आप सहसा मेरा परिहास क्यों कर रहे हैं? मैं आपका उपहास नहीं कर रहा। आपके पिता गांधार नरेश महाराज सुबल ने यह निर्णय लिया है कि वो अपने सिंहासन को त्याग कर अब संन्यास लेंगे। इसीलिए मैंने आपको महाराज कहकर संबोधित किया है। पिताजी संन्यास ले रहे? आपको यह सूचना किसने दी? किसी ने नहीं। वास्तव में ये संदेश मैंने ही आज उन्हें भिजवाया कि उनके संन्यास लेने का समय अब निकट आ गया है और इसलिए वो अपने पुत्र को यानी आपको राजा घोषित कर दे। और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस गांधार में नहीं है, इसीलिए अब आप राजा बन ही गए हैं। और इतनी बड़ी कृपा करने का कोई विशेष कारण महामहिम? कारण यह है गांधार नरेश कि राजा अपने राज्य की पट नगरी में रहे यही योग्य माना जाता है। आपके अंगरक्षकों का गठ सज्ज है आपको गांधार ले जाने के लिए। पधारिए। मैं महाराज धृतराष्ट्र की अनुमति। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, महाराज से अनुमति मैंने ले ली है। मैं प्रिय गांधारी की अनुमति। महारानी की भी अनुमति मैं ले चुका आपकी ओर से। पधारिए। आप मुझे हस्तिनापुर से निकाल रहे हैं महामहिम? आपको यहां से निकालने का अवसर उत्पन्न ना हो और आपका सम्मान बना रहे यही प्रयत्न कर रहा हूं मैं। पधारी। पधारिए। मामा शकुनी की वजह से हस्तिनापुर में जो अधर्म हो रहा था
वही अधर्म रोकने की कोशिश महारथी भीष्म ने की थी, लेकिन जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा। महाभारत लिखी थी तो वो होके ही रही, ताकि हमें श्रीमद् भगवत गीता जैसा महान ग्रंथ मिल सके। बस वही उद्देश्य था महाभारत का। लेकिन फिर भी हमें जब भी लगेगी अधर्म बढ़ रहा है तो उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए और धर्म की स्थापना भी करनी चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।